के पास में जो हम लोग वीडियो जो बना रहे हैं, और हमारे नीलेश भाई भी जो आए हुए थे, और भैया से मैं मिलने के लिए काफी एक साल पहले मैं महबुल्ला में भी रहते थे, तो महबुल्ला में मैं जाके जो है मिलता था, तो मुझे मैं उस समय इतना ज्यादा नया था कि यार मुझे बिल्कुल समझ लीजिए कि बोला नहीं जा रहा था। लेकिन हालांकि नीलेश भाई का जो है थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला, और थोड़ा जैसे होता कि आदमी जब नया नया फर्स्ट टाइम आता है तो उसको थोड़ा बहुत जो है धीरे 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 रहते रहते जो है नॉलेज होते रहता है। तो आज मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, और हमारे नीलेश भैया से जो है मिलते रहता हूँ, बातचीत होते रहती है। अभी नीलेश भाई हमारे इंडिया जाएंगे, और मतलब कि हम काफ़ी ज़्यादा जो है खुश है इस चीज़ से यार कि चलो हम अगर इंडिया में जो है नहीं मिले लेकिन यहाँ विदेश में आके जो है मिल रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व फील होता है। तो नीलेश भैया के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अदरवाइज मेरा भी चैनल है, आप मेरा भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो क्या है कि भाई मैं मतलब कि जिस तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ उसी तरह से नीलेश भाई भी बनाते हैं, लेकिन नीलेश भाई को क्या है कि इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, इनका ड्यूटी थोड़ा हार्ड है, तो ये भी अपने स्तर से बहुत ही अच्छा जानकारी देते हैं, और मैं तो बोलता हूँ मेरे से बेटर जानकारी देते हैं, क्योंकि भाई भाई भी मतलब बताते हैं और काफ़ी जो है अच्छी जो है जानकारी देते हैं, और काफ़ी जो है अच्छा लगता है। तो जो है हम लोग थोड़ा जो है घूम के जो है वीडियो जो है थोड़ा बना लेते हैं, और आपको बैकग्राउंड भी दिखा देते हैं कि कुवैत नेशनल डे जो है किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। लॉट्स ऑफ पीपल हेयर and the lots of Koiti peoples, really this people was the very good and very peacefully, okay. I was make the one video also, when the small guy and he was come to me and meet me, really is very happy. This guy really I'm like so much, because the Koiti people is a very good, okay. So guys, give the respect for the national day, okay. And if you come the first time in Kuwait, okay, so give respect for the Kuwait and Kuwait for national day for the Koiti peoples. Everyone is very good and very happyful people here, okay. It's a very happy people here. Really, I love for Kuwait. और भाई मेरे साथ भी US आर्मी बेस में काम करते हैं, मैं भी वहाँ पे ही काम करता हूँ। वी आर बोथ डिपार्टमेंट, आई एम वर्किंग फॉर मटेरियल डिपार्टमेंट, दिस गाय इज वर्किंग फॉर HVAC डिपार्टमेंट, मीन्स AC डिपार्टमेंट। वहाँ पे मतलब जो आर्मी होते हैं उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, वी आर हेल्पिंग फॉर आर्मी फॉर देयर। तो हमारी जो कंपनी कैरिज कंपनी है, उसकी कैरिज कंपनी मतलब हमारा ये है स्पॉन्सर है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत साल से काम कर रहे हैं। भाई को भी कुछ 5 years समथिंग हो गया, 4 ईयर हो गया भाई को, मुझे भी कुछ 6 ईयर समथिंग हो गया कुवैत के अंदर, और मैं भी एक डिपार्टमेंट में कंटिन्यू काम कर रहा हूँ दोस्त, और काफ़ी अच्छा है, मतलब कुवैत मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्त। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एयर, यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बेहतरीन दिखता है, और आपके सामने ये जो दिख रहे हैं ना नज़ारे, आप देख रहे हो ना, इस नज़ारे के में देखने के लिए इंजॉय करने के लिए इसके अंदर 3 रुपये आपको लगेगा। आप सोचते होंगे 3 रुपये क्या है यार, कोई भी चलाएगा, बाकी आपको बता दूँ 300 रुपये इंडिया का 850-900 रुपये होता है, ठीक है। एक्चुअल अभी हो गया लेट, इसके लिए इसके अंदर हम लोग जाने वाले नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम जो लाएंगे और इसके अंदर जाएंगे, ये जो कुवैत टावर इसको कहते हैं, ओके, एक कुवैत टावर के अंदर जाके आपको उनको पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे इसके अंदर। अच्छा बात क्या है, इसके अंदर आप जाओगे ना तो ये राउंडिंग राउंडिंग घूमता है, ये मतलब जो ऊपर दिख रहा है ना ये राउंड राउंड घूमता है, मतलब इसमें आपको एंजॉय आप कर सकते हो। अंदर जाने के बाद आपको सारी चीज़ आपको खाने पीने का कॉफ़ी वॉफी की सब चीज़ की फैसिलिटी अंदर है, ओके। तो सो एक बात मैं हर टाइम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, इफ़ यू न्यू इन माय चैनल तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी कुवैत के बारे में हर एक चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में, और मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो में डालता रहता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मेरे सामने फ्लावर है, इस टाइप का मैं फ्लावर मेरी लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ। ये जो फ्लावर है दोस्त काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड काफ़ी सुंदर है, ओके, काफ़ी बेहतरीन दिखता है, और इसकी नज़ारे मतलब ये चीज़ है ना देखने में इतनी मतलब, उधर में जा पहला तो मुझे डाउट हुआ कि वो डुप्लीकेट है, ओके, मुझे लगा कि वो डुप्लीकेट है, बट एक्चुअल वेन आई सी दिस फ्लावर रियली आई एम फील वेरी नो वेरी हैप्पीफुल, बिकॉज सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड सो इज़ वेरी वंडरफुल, ओके। तो ये काफ़ी सुंदर है, मतलब दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, दिखने में काफ़ी सुंदर फूल है, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इसको। सो आप देख सकते हो कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है, ओके, रियली आई लव दिस वन। अगर मुझे चांस मिला तो मैं यहाँ से उठा के इंडिया भी लेके जाऊँगा, मेरे घर पे ले जाके लगा लूँगा मैं इसको यार, इतना अच्छा दिख रहा है, मतलब देखो कितना मतलब ये डिज़ाइन है इसमें, ऐसी डिज़ाइन फुल, मतलब मैं साला मैं इंडिया में इतना बहुत सारा कंट्री में मैं घूमा हूँ और ऐसा चीज़ तो मैं कभी देखा नहीं, ओके। तो ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद आया यहाँ पे, और एक अगर आप कुवैत के अंदर फर्स्ट टाइम आते हो, न्यू आते हो, तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप कुवैत टावर एक बार ज़रूर घूमने के लिए आओ, क्योंकि कुवैत टावर आप घूमने के लिए आओगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर चीज़ें आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुवैत टावर्स है,
आपको कोविड टावर आप देख रहे हो ना, कोविड टावर से यहाँ पे कोविड टावर में आप जाके वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल हर एक चीज़ यहाँ पे है। और चैनल पे अगर नए आते हो तो दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आपको एक चीज़ और है, अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना कि आपको वीडियो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ और ये जो आप देख रहे हो सामने ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा एंड बेहतरीन लगता है। इसके अंदर ये ऊपर जाने के लिए 125 मंजिली कुछ है, ऊपर जाने के लिए ऊपर जाने का 3 KD लगता है, यहाँ कुवैत का दिनार है 3 KD। और काफ़ी की खासियत ये है कि इसमें लाइट जलता है, आप लाइट देख रहे हो इसमें लाइट जलना चालू हो गया है, अभी थोड़ा सा और रात होएगा तो ये मतलब देखने में और भी काफ़ी अच्छा एंड ब्यूटीफुल लगता है देखने के अंदर। मतलब वो जो ऊपर आपको राउंडिंग दिख रहा है उसके ऊपर जब आप चढ़ोगे तो वो मतलब धीमे 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 वो घूमता है ऐसा चारों तरफ से, मतलब उसके अंदर सा फूल से यार मैंने कभी देखा ही नहीं है साला, इतनी बेहतरीन फूल से यहाँ पे एक नंबर। और कुवैत नेशनल डे के वजह से यहाँ पे लोग आज यहाँ पे लोग इसके वजह से आए हुए हैं घूमने के लिए। ओके कोई थी भाई वो एक सवाल, और किसी भाई लोग को अगर इस फूल के बारे में जानकारी होएगा तो मैं ज़रूर मुझे बताना कि इस फूल का क्या नाम है, मुझे तो भाई मालूम नहीं इस फूल का क्या नाम है, अगर मेरे को चांस मिला तो मैं उखाड़ के इंडिया लाऊंगा ये और ला के घर पर बैठाऊँगा, इस समय तो नहीं उखाड़ूंगा, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब उखाड़ के लेके जाऊँगा। में मतलब ये जो कुवैत टावर से जितना रात होएगा उतने ये देखने में और भी बेहतरीन लगेगा और भी सुंदर लगेगा। ऊपर ड्रोन है This is all my Koidi friends. So guys, whenever come to my channel, please subscribe my channel. So all the Koidi friends, come here, man. हो गया है शाम का टाइम, सब लोग अभी जा रहे हैं अपने घर पे, लोग निकल रहे हैं इस समय क्योंकि हर एक कोई अपने घर पे जाना चाहता है, क्योंकि फिलहाल अभी हर एक कोई यहाँ पे आया था नेशनल डे मनाने के लिए, तो अभी हर एक कोई यहाँ से जा रहा है। वीडियो है ना लाइव ना, हाँ लाइव ना, ये वीडियो बनाओ लाइव। सो पानी भर के यहाँ पे गुब्बारे से मार रहे लोगों को, पूरा भी दिख रहा है ना इधर, अभी उजलना चालू हो गया दिख रहा है, हाँ लाइट सो दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए, तो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को ज़रूर मेरे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी बहुत सारी वीडियो कुवैत के बारे में बनाता रहता हूँ। और एक चीज़ और, अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कर देना। ये सब कुवैती बच्चे लोग हैं जो काफ़ी हैप्पी है और काफ़ी एक दूसरे से खेल रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, कुवैत का नेशनल डे है इसकी वजह से। सी यू नेक्स्ट वीडियो।